इनको माता का प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए, काली माता का प्रसाद मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, काली माता का प्रसाद मिलना कि नहीं चाहिए। कई बार मन खट्टा होता है, सोचता हूँ और तो मैं कुछ चक्कर में पड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा खाने से लिया हुआ चक्कर कर देता हूँ, मंत्री पद भी छोड़ देता हूँ, एमएलए पद भी छोड़ देता हूँ, पंचायत करके किस आदमी जा रहा है कसूर तुमने लाग जाए तो कागज चंडीगढ़ भेज देना। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। पहले नवरात्र पर सभी देवी के दर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी लोहारू के पहाड़ी गांव में पहाड़ी माता मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान जब मंच से भाषण देने का वक्त आया तो पहले तो जेपी दलाल ने अपना दुख दर्द बयान किया और फिर अपने समर्थकों से पूछा कि बताओ विरोध करने वाले यहाँ आएंगे तो उन्हें प्रसाद मिलना चाहिए या नहीं। अगले सवाल में जेपी दलाल ने पूछ लिया कि उन्हें काली माता का प्रसाद मिलना चाहिए या नहीं। वो मुझे बेचैनी हो गई थी, अपनी बात पंचायत में कहने की आया था और उसके बाद भी सुनो कॉलेज के बाद घोषणा की आग भाई हो जाओगा डिगावा, डिगावा में घेर लो भाई, मैं कोई चोर ना, कोई डकैत ना, किसी का कुछ लेके खा रखा ना, मतलब वहां से 20-30 आदमी आके मैंने घेरण आ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसी हालत में हम करें तो करें क्या? ये बते बता दो एक चीज, सारे हाथ खड़े करके, ये इनको इनको एक सेकंड, इनको माता का प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए, पहाड़ी माता का प्रसाद मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोले पहाड़ी माता का प्रसाद मिलना कि नहीं चाहिए, और आप ही इनको प्रसाद दोगे कि नहीं दोगे। हम सभी जानते हैं कि काली माता का रौद्र रूप कितना भयानक है, जब वो रुष्ट होती हैं तो ऐसी मान्यता है कि हाहाकार मचा देती हैं। ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल किस तरह का प्रसाद देने के लिए इशारा कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इससे पहले जेपी दलाल ने अपना दर्द बयान किया था, उन्होंने कहा था कि कई बार मन खट्टा होता है, सोचता हूँ सबको छोड़ दूं, मगर फिर जब समर्थकों को देखते हैं तो ऐसा कर नहीं पाते। इस हालात को देखते देखते हमें 10 महीने हो गए, आप एक चीज इस पंचायत में ये बता दो भाई, हमारा कसूर क्या है, हमने बुरा क्या किया? पहाड़ी में कोरा कागज लिया हुआ दस्तखत कर देता हूँ, मंत्री पद भी छोड़ देता हूँ, एमएलए पद भी छोड़ देता हूँ, पंचायत करके किस आदमी जा रहा है आदमी के एक कसूर तुमने लग गया तो कागज चंडीगढ़ भेज देना भाई। सत्ता का लोभ नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन कई बार मन खट्टा होता है, सोचता हूँ छोड़ दूँ, मैं क्यों क्यों चक्कर में पड़ रहा हूँ, लेकिन जब सामने आप बैठे दिखाई देते हो तब सोचता हूँ हार के नहीं जाऊँगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कल भिवानी के कॉलेज में हुए विरोध को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग भाजपा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझती है, ऐसे जनता इन्हें जाने नहीं देगी। इस दौरान सुरक्षा प्रबंध के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लोहारू से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।